क्या आप भी आपके वॉलेट आपके बैक पॉकेट में रखते हो? ऑब्वियसली 90% मेल तो रखते ही हैं। अगर सीटिंग के टाइम पे आप उसको नहीं निकालते एंड सीटिंग पोजीशन में भी आपके वॉलेट आपके बैक पॉकेट में रह जाता है, तो आपको स्लिप डिस्क, बैक पेन एंड पोस्चर के सारे प्रॉब्लम होगा, स्पेशली लोअर बैक पेन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक वॉलेट आपको किस तरह से क्या क्या डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं। इसी तरह के जो चेंजेस आते हैं हमारे स्पाइन में, आप देख सकते हो स्पाइन के अलाइनमेंट पूरा चेंज हो गया। यही हमारे शायटिका, बैक, लोअर बैक पेन एंड इम्बेलेंस पोस्चर की वजह होता है। तो अभी मान लीजिए राइट पॉकेट में मैंने वॉलेट डाल दिया, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पोस्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ईश्चियम पे हम सीटिंग करते हैं एंड अभी ईश्चियम एक ही लेवल पे है। अब जब सीटिंग करना है, देखिए इसको इस तरह से टिल्ट होना पड़ रहा है बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से जो चेंजेस आते हैं हमारे स्पाइन में, वो बहुत गलत इफेक्ट लाते हैं हमारे शायटिका, पिरिफॉर्मिस एंड लोअर बैक पेन, इन्हीं के वजह से होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके मेल फ्रेंड्स में शेयर करो एंड उन लोगों को बताओ कि क्यों हम लोग वॉलेट हमारे बैक पॉकेट में नहीं रखना चाहिए एंड वो भी वॉलेट सिंड्रोम से बच सके।